दिन विद्यार्थियों, कक्षा 8 की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जानिहि निज देशम, अपने देश को जानिए। इस पाठ में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। पाठ को समझने से पहले हम जानेंगे कि इस कविता का मूल रूप से क्या भाव है। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा कवि हमारे हृदय में देश प्रेम का भाव जागृत करते हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरव का गुणगान करते हैं। हम सभी के हृदय में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, ऐसा कवि का मानना है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। जाने हैं निज देशम। पहली पंक्तियां हैं, हे नर जाने हैं तुम निज देशम। हे मनुष्य, तुम अपने देश को जानो। नयन मनोहर निज परिवेशम, देखने में अत्यंत सुंदर, यहाँ के परिवेश वातावरण को देखो। अर्थात अपने देश के वातावरण को, जो आँखों को अत्यंत सुंदर लगता है, देखने में अत्यंत सुंदर लगता है, उसे देखो। यद्यपि विदेशे भिन्नम वेशम, फिर भी विदेशों में अलग अलग वेशभूषा है। तस्मिन् माकुर मोहावेशम, उस पर मोह यानी आकर्षण मत करो। उसकी ओर आकर्षित न होकर अपने देश की वेशभूषा को अपनाओ। गौरव मनभव भारत माता, तव जननी तुम जगतः त्राता। भारत भूमि तुम्हारी माता है, तुम इस पर गौरव का अनुभव करो, यही तुम्हारी मातृभूमि है। भव निर्मोहम भज परितोषम, भारत माँ तुम्हारी जननी है, हे मनुष्य तुम ही संसार के रक्षक हो, इसलिए मोह में न पड़ते हुए संतोषी बनो। अपि संसारम रचय विशोकम, एक ऐसा संसार बनाओ जिसमें किसी भी प्रकार का दुख न हो। निखिलम विश्वम तव परिवारः, संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा परिवार है। भारतमेकं भुवने सारम, भारत भूमि ही एकमात्र सार के रूप में है, अर्थात वह सदैव से विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रही है। हिमगिरि मुकुटम गंगाहारम, हिमालय पर्वत भारत भूमि के मुकुट के समान है तथा गंगा नदी हार के समान है। ऋषि मुनि सेवत स्वर्ग द्वारम, ऋषि मुनियों के चरणों द्वारा पवित्र की गई यह भूमि स्वर्ग का द्वार है। अर्जन ज्ञानम भज विज्ञानम, ज्ञान को अर्जित करते हुए विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान प्राप्त करो। दीन जनेभ्य अर्पय दानम, गरीबों और असहायों को दान दो। निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम, अपने देश का अपने राष्ट्र का उत्थान अर्थात उन्नति करो। लभसे यस्मात् अन्नम पानम, जिस भारत भूमि से तुम अन्न और पानी प्राप्त करते हो, उस देश का कल्याण करो। यहाँ कवि अपने देश की
भारत भूमि की विशेषताएं बता रहा है। विद्यार्थियों, आप सभी संस्कृत भाषा की इस कविता को पढ़कर इसका अर्थ समझिए, उसके बाद पुस्तक अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।